स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी ने अपर मंडल रेल प्रबंधक एसपी चंद्रिका पुरे तथा जीवी जगताप सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर श्रमदान किया और परिसर में झाड़ू लगाई। साथ ही यात्रियों और आगंतुकों को रेल परिसर में गंदगी न फैलाने का संदेश देकर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इसके पूर्व सुबह मोतीबाग खेल मैदान से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन नागपुर की ओर से साइकिल रैली मोतीबाग खेल मैदान से निकाली गई। इसका समापन मंडल कार्यालय में हुआ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ना था। मंडल के अन्य स्टेशनों तथा रेल परिसरों में भी नामित अधिकारियों ने रेल कर्मियों, स्काउट गाइड व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सफाई की। जैसा कि आपको विदित है कि स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ है। यह साल स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ है। इसके तहत रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बहुत सारे जो है छोटे छोटे लेवल्स पे अनेकों अनेक प्रोग्राम आयोजित करने की परिकल्पना की है और उसके तहत हमने विभिन्न जगहों पर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि सभी स्टेशनों पर स्टेशन क्लीनिंग के लिए हमने टीम्स गठित की हैं जो कि स्टेशन्स की क्लीनलीनेस करेंगे। उसके अलावा हमने बहुत सारे जागरूकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिनमें कि नुक्कड़ नाटक, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, साइक्लोथॉन, मैराथन एट्सेट्रा हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके अतिरिक्त हम इसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने लोकल लेवल पे लोगों को इंक्लूड करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं एवं इसमें आसपास के जो जैसे रेलवे से जो रिलेटेड हैं, जैसे कि ZRUCC, DRUCC मेंबर्स हैं, स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी इंक्लूड करके उनको स्वच्छता के इस मिशन में सहयोगी बनाकर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।